नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश की सियासत में गांधी परिवार का एक अलग ही नाम और रुतबा है। इस परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, वही राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री पद पर रहे। और आज देखा जाए तो कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए, ये मांग उठ रही है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर तो सियासी अटकलें कई बार तेज हुई हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी के जो भांजे हैं, जो महज 22 साल के हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेहान वाड्रा के बारे में। रेहान वाड्रा को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हुई हैं कि जल्द से जल्द वह राजनीति में कदम रख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपने इंटरव्यू में तमाम खुलासे किए। उन्होंने ये तक बताया कि राहुल गांधी उन्हें किस तरीके से नसीहत देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रेहान वाड्रा जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कदमताल मिलाते हुए नजर आए, वहीं रेहान वाड्रा ने अपने इंटरव्यू में भी खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि वह राजनीति में कदम रखने में अभी कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दूसरी ही तरफ उन्होंने बताया कि राहुल गांधी उन्हें किस तरीके से सलाह देते हैं। दरअसल रेहान वाड्रा जिन्होंने राजनीति को लेकर अपनी बात रखी कि मेरा राजनीति में अभी जाने का कोई इरादा नहीं, आज की राजनीति में कड़वाहट ज्यादा हो गई, नेता से लेकर उनके समर्थकों तक में दुश्मनी जैसा व्यवहार हो चुका है। अगर लोग आपस में लोग बिना एक दूसरे की पहचान को टारगेट करके मिले तो राजनीति में ये आपसी कड़वाहट दूर हो जाएगी। दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि मामा राहुल गांधी मुझे मेरे काम के लिए सबसे अलग सलाह देते हैं। मैंने मामा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। मेरी अगली एग्जीबिशन में भारत जोड़ो यात्रा की झलक होगी। लोग मुझे मेरे राजनीतिक परिवार की वजह से टारगेट करते हैं, जो मेरी पहचान को वजह मेरी आलोचना करते हैं, मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर रेहान वाड्रा ने साफ तौर पर ही अपनी बात रखी है और उनका कहना साफ तौर पर रहा कि मैं लकी हूं, लेकिन गांधी नेहरू खानदान में पैदा होना मेरा चुनाव नहीं है। उनका कहना यहां पर साफ तौर पर रहा कि राहुल गांधी उन्हें काफी सलाह देते हैं और वह मानते भी हैं उनकी बातें। भारत जोड़ो यात्रा की झलक उनकी अगली एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी, ये बात वह साफ तौर पर कह चुके हैं। अब देखते हैं कि रेहान वाड्रा आगे चलकर क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस खेमे को लेकर ये तक दावे किए गए कि जल्द से जल्द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी निकाली जाएगी। अब देखते हैं क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकाली जाएगी या फिर नहीं। वहीं राहुल गांधी के नक्शे कदमों पर चलना चाहेंगे रेहान वाड्रा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।